अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपकी बहन की सूजी भी यहाँ के इस बात का वाजिया सबूत है कि आपकी बहन आज फिर लेट उठी है। मेरी मामा ना बस नहीं चल रहा था, वो मैंने ना खा जाए बस हमें। खैर आज का मौसम बड़ा अच्छा था, मेरे मामा को कहा कि हम लोग ना जाके जुतियाँ ले आते हैं। मामा ने कहा अच्छा सब हौसला करो, ठीक है ना, मैं जाके पहले किचन में खाना शाना बनाऊँ। अब वो किचन में जूं गई हैं, वो बाहर ही नहीं आई। मैं कहा अच्छा, मैं ना अब जाके देख आती हूँ, अब ये ना इससे पहले कि कबीर सिंह मुझे भी खा जाए। कल से कबीर सिंह बनी घूम रही है। खैर अब अगर मौसम अच्छा हो, मतलब मौसम तो अच्छा ही है, ख़राब नहीं हुआ, हवा शवा चल रही है, तो ये है कि अब हम लोग फिर थोड़ी देर तक जो है अभी चले जाएंगे और अफ्तारी हम फिर बाहर कर लेंगे एज़ यूजल। चलो भाई, वो पाकिस्तानी ही क्या जिनका प्लान बने और एंड टाइम पे कैंसिल ना हो जाए। एज़ यूजल हमारे से तो फिर होता ही है ना, हमारा यहाँ प्लान बनता और यहाँ हमारा कैंसिल हो जाता है कि नहीं जी नहीं, हम नहीं जाना, शोर ही मच जाता। खैर अभी मैं मामू को बोल रही थी कि आपका इस जहान में कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने सुन लिया। उनका तो बस्ती चलता है, मुझे किसी से ना वाकई कच्चा खा दे। खैर मम्मा ने कहा अब अफरा तफरी का माहौल है, अफरा तफरी में जो तेरे से बनता है ना तू बना ले। तो मैंने आलू शालू के कतले क्या होता है जो भी होता है वो काट लिया मैंने, ठीक है, और साथ मैंने कहा मैं बर्गर बना लेती हूँ। अच्छा और मम्मा ने कहा कि तुम कतले शतले बना लो, अफरा तफरी में तुमसे जो बन सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। और अब बर्गर बनाने हैं और जामेश्री मिक्स किया, और बस आज मैंने ना दही भले मिक्स किए हैं ना फ्रूट चाट है, कुछ भी नहीं है। अफरा तफरी में मेरे से जो बना मैंने बना दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। हम लोगों ने दूसरा कैमरा भी लगवा लिया क्योंकि एक तरफ से हमारा जो गेट कवर होता था ना वो दूसरी, अभी मेरे अक्लमंद मामू आए जो कैमरा हमने नया लगवाया ना उसकी सेटिंग चेक करने के लिए कि जी गेट सारा कवर शवर हो गया। एक दरवाजे से आए, दूसरे दरवाजे से खोल के तीसरे दरवाजे से चले गए। इस बंदे का ना इस जहाँ में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी नहीं होगा। अगले जहाँ का पता नहीं, इस जहाँ में तो है कुछ नहीं होने लगा मामू का। अभी शर्म कर लो, सगा मामा है तुम्हारा। गोश शोश बन रहा है आज, खाने में क्या बन रहा है? ये तो अजीब सी सब्जी है, मैंने तो कभी देखी भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। खैर जो भी है, इस घर में ना इस घर वालों का कुछ नहीं हो सकता। चिमटा भी नहीं मिल रहा मुझे तो आज, जो बंदे की नीयत ना हो कोई काम करने की, खासतौर पे मेरी, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, वैसे ही नहीं मिलता है। बर्गर शर्गर बनाने लगे तब हमें याद आया कि ये तो बर्गर ही दो हैं और हम खाने वाले चार हैं। तो फिर मैंने अपनी शाही सवारी को तैयार किया, मैंने कहा जाओ ज़रा शूटर फरार होके शूटर पर होकर जाओ और बर्गर लेके आओ। मामा जी चली गई हैं और ये हांडी लगने जो है ना वो यहाँ पे छोड़ के चली गई हैं। ये भी तैयार श्यार हो गए हैं, जब तक वो आएंगे बर्गर आएंगे, बर्गर भी तैयार हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं रह गया। हाँ जल गया यार, मेरा उंगली जल गया। ये आज हमारी इफ्तारी जैसी खुली सी है। नो फ्रूट चाट, नथिंग। ये सारा कुछ हमारा तैयार श्यार हो गया। आज तो कोई मनोसलवा भी नहीं आया किसी के घर से, कल ही आ गए थे ना। सो सैड। ये लो जी चाय शाय का पतीला चढ़ा दिया मेरे घर वालों को, तो बस रहे ना इन लोगों को, वो जो होता नहीं है तोप में डाल के इन लोगों को चाय बना के दिया करूँ मैं तो। जितने लोग चाय पीते हैं, एक आदम खोर होते हैं, एक चाय खोर होते हैं, मेरे घर वाले चाय खोर हैं, है ना। पानी की जगह ना आप लोगों के डैम के अंदर ना चाय होनी चाहिए, अगर उसमें डुबकियाँ लगाते रहो आप लोग। Hours later. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रिश्ते की इबादत भी कर ली अब हमने। अब यहाँ तो कल चांद रात होगी, यहाँ फिर परसों चांद रात होगी और फिर ईद होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो सैटरडे के हैं। बाकी हमारे मुफ्तियों का कोई पता भी नहीं होता, रात 12 बजे उठ के कह देंगे कल ईद है जी, तो खैर कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी यार अल्लाह जितनी नमाज़ें जिसने जो जो दुआएं शुआएँ की हैं शब कदर में अल्लाह उनकी कबूल करे। बाकी मैं अभी एक अपनी माँ जी को बात करके आई थी कि मैं ना अपने घर में नोट करी हूँ कि अगर मैं ना इस घर में कह जम जाए, क्या मतलब फंगस उल्ली जो भी होता है। तो भाई साहब हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। इसी तरह रेगुलर व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल अल्लाह मेरी उर्दू को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।